और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो पूजन के बाद। जीवन में खुशहाली लाए, हम सनातन परंपरा के पर्व के लोग हैं और उस परंपरा का हिस्सा है कि हम राजनीति में भी समाज के तौर पर एक परिवार की तरह काम करते हैं। आज एक सुखद संयोग है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी 11 बजे मन की बात करी, जैसा अक्सर वो करते हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा मजबूत नेतृत्व पार्टी को और देश को मिला। उन्होंने जो आह्वान किया इस दीपावली पर, साफ तौर पर वो एक सीख भी है, नसीहत भी है और भारत की मजबूती के लिए एक बड़ा संदेश है। उन्होंने याद किया गुरु नानक देव जी को उनके 550वें प्रकाश वर्ष के तौर पे, सरदार पटेल को याद किया, साथ ही साथ इस देश में राजनीति के माध्यम से समाज को बदलने की और खुशहाली की बात उन्होंने कही है। तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि पार्टी परिवार के तमाम लोग समाज के बदलाव के लिए, एकता और भाईचारे के लिए जो संदेश उन्होंने दिया है, और छोटी छोटी चीज़ें जिसको अणुव्रत कहते हैं, छोटे संकल्प लेके बड़ा बदलाव, और निश्चित रूप से कामना करूँगा क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेवारी मिली और ये मेरी पहली दीपावली है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के विचार के लिए, संगठन के विस्तार के लिए और करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए दीपावली सुखमय हो, मंगलमय हो, और जो कामना हमने करी कि राजस्थान पार्टी के तौर पे अजय बने, ऐसी मिशन 2023 में हम सब की कामना है। 2024 में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी फिर से काबिज जो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आपने हाइब्रिड को लेकर आंदोलन का आगाज किया था, लेकिन क्या ये मानते हैं आपके आंदोलन का असर रहा गया, जो कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति थी, डिप्टी सीएम का खिलाफ आना, ये सब असर है? देखिए, कई चीज़ों के कई कारक होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सरकार जो इस समय जिनके पाए हिले हुए हैं, मुख्यमंत्री जी जो बड़े आशंकित हैं, कभी जुगाड़ करते हैं बीएसपी के माध्यम से, पार्टी के भीतर जो विग्रह है उससे भी घबराए हुए हैं, और निश्चित रूप से उपमुख्यमंत्री का बयान उसने तो असर किया ही है, लेकिन हमारे ऐलान ने भी इस सरकार को मानसिक तौर पर कमज़ोर किया था। 1 नवंबर को हम लोग पूरे प्रदेश भर में धरने देते, इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाते, सरकार डिफेम होती, तो पहले से ही कमज़ोर सरकार इस आंदोलन को झेल नहीं पाती, इसलिए उनको बैकफुट पे आना पड़ा। भाई साहब, एक इस बार आप साथ चुनाव लड़े हनुमान बेनीवाल के साथ, लेकिन लगातार वो ट्वीट भी कर रहे हैं और आपके कई नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं कि वोट नहीं दिया उन्होंने, वोट काटे, आपकी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, क्यों गठबंधन में, और आगे चुनाव भी हैं, आपके निकाय चुनाव में जाना है, पंचायत राज चुनाव में आपको जाना होता है, ऐसे में किस रूप में इस बयानों को ले रहे हो? देखिए, मैं व्यक्तिगत बयान की तो किसी तरीके की समीक्षा करूँगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी यानी NDA जो एक बड़ी शक्ल में है, दिल्ली में भी हम लोगों ने उस गठबंधन का सम्मान किया था, हमने पंजाब में, महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ संभव था, पार्टी की लाइन यही थी कि हम लोग NDA के साथ काम करें। राजस्थान में खींवसर की सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रतिष्ठा की सीट थी, और युग धर्म यही था कि हमें रणनीतिक तौर पर कांग्रेस को हराना था। कांग्रेस को हराने में कामयाब हुए और वो कामयाबी मिलकर हुई, न केवल RLP की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर बेशुमार वहाँ परिश्रम किया, पार्टी का एक बड़ा समर्थक तबका RLP के साथ लगा, और निश्चित रूप से जीत हासिल हुई है, तो किसी अकेले व्यक्ति की नहीं है, इसमें पार्टी के विचार के, संगठन के तमाम लोग लगे। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है, चुनावी राजनीति कई लोगों के नाराजगी का कारण होती है, वो अन्य कारण होते हैं, लेकिन बड़ा कारण कांग्रेस को हराना था, हम लोग हराने में कामयाब हुए। अब उन्होंने ट्वीट किया है किस मंशा से किया है, लेकिन मैंने उनको ये जरूर कहा है कि गठबंधन की मर्यादा को जब हम निभाते हैं तो उनको निभाना चाहिए, ये मैंने साफ तौर पर कहा। आगे गठबंधन जारी रहेगा सर, क्या चुनाव हम उसका परिस्थितियों के हिसाब से आकलन करेंगे। अध्यक्ष सतीश पुनिया को आप सुन रहे थे। विशेष पूजन दिवाली के महापर्व पर किया गया बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, और पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया।